स्वाति मालीवाल केस में ताजा अपडेट यह है कि इस केस में आरोपी और सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विभव के वकील ने कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, मगर कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए इस पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं बनता और यह याचिका ही निष्प्रभावी हो गई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि विभव की जमानत अर्जी पर कोर्ट के अंदर क्या बहस हुई, क्योंकि इस मामले पर पहले बहस हुई, बाद में यह पता चला कि विभव की गिरफ्तारी हो गई है। सरकारी वकील ने कहा कि विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये अंदर बताया गया। विभव के वकील कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम ये दलीलें पहले रख रहे थे। सरकारी वकील ने कहा कि 4:15 बजे ही विभव की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई। जमानत अर्जी की कॉपी 4 बजे से पहले दी गई, जमानत अर्जी की कॉपी पहले दी गई। बचाव पक्ष ने जो तथ्य रखे वो एक तरफा है, सरकारी वकील का यह कहना था। विभव के वकील ने कहा कि कोर्ट को मामले में राहत देनी चाहिए, यानी विभव को अग्रिम जमानत दे देनी चाहिए, लेकिन सरकारी वकील लगातार इस बात का विरोध करते रहे और ये बताते रहे कि नहीं, ये नहीं दिया जा सकता क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके बाद अदालत ने कहा कि नहीं, चूंकि ये गिरफ्तारी हो चुकी है इसलिए याचिका निष्प्रभावी हो जाती है। Z News.